नमस्कार विद्यार्थियों, ई प्रैक्टिकल्स की अगली श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 7, लैब है प्रिंटर साइंस लैब, PR 302 विषय का नाम है प्रिंटर साइंस, और ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ GSM ऑफ एनी पेपर, यानी कागज़ का GSM कैसे ज्ञात किया जाए। इसके लिए जिस इक्विपमेंट की हमारे पास आवश्यकता होती है वो है GSM टेस्टर। हमारे पास लैब में जो इक्विपमेंट मौजूद है उसका मेक है GEC ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी, मॉडल नंबर P40125-P, और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं स्पेसिमेन, जिस कागज़ का हमें GSM प्राप्त करना है वो स्पेसिमेन होता है 10x10 mm का एक स्क्वायर कागज़ का पीस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ GSM होता क्या है। GSM होता है ग्राम स्क्वायर मीटर, यानी पर्टिकुलर किसी कागज़ का ग्राम के अंदर एक मीटर स्क्वायर कागज़ का जो पीस होगा उसका पर ग्राम में क्या वजन होगा, एक मीटर स्क्वायर कागज़ का ग्राम के अंदर वजन क्या होगा, तो ये होता है GSM। GSM का बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि कागज़ की जो परचेजिंग और सेलिंग होती है वो किलो के ऊपर डिपेंड करती है कितना कागज़ का वजन है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊँ तो आप A4 की रिम अगर बाज़ार में लेने जाएं और वो 60 GSM की होगी तो रिम के अंदर तो 500 कागज़ होता है, ये हमें पता ही है। तो 60 GSM का कागज़ की रिम जो होगी वो हमें सस्ती मिलेगी और 70 और 75 GSM के कागज़ की रिम हमें महंगी मिलेगी, क्योंकि 75 GSM का जो कागज़ का रिम होगा उसका वज़न ज़्यादा होगा और कागज़ का वज़न किलो के हिसाब से बढ़ता रहता है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में भी यही है, पहले 45 GSM का कागज़ चलता था, अब 40-42 GSM का कागज़ चलता है। चूँकि रील के अंदर आपको कागज़ तो पूरा 18,000 मीटर या 18,500 मीटर ही मिलेगा, तो अगर आप 42 GSM या 40 GSM का कागज़ यूज़ करेंगे तो ओवरऑल रील का वज़न कम हो जाएगा। डैट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर रील के पैसे कम देने पड़ेंगे पेपर मैन्युफैक्चरर को, जबकि दोनों रीलों के अंदर है 18,000 ही कागज़, यानी आपकी कॉपीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जितनी कॉपीज़ आपकी छपनी है वो छपेगी, 8,500-19,000 जो कॉपी आपकी छपनी है वो छपेगी, लेकिन चूँकि आपने GSM कम करा तो आपका एक सर्टेन अमाउंट उस कागज़ की रील पे बच गया, ये आपको फ़ायदा हुआ। अब अपन इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसके सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस चेक करने होते हैं GSM टेस्टर, फिर एक 10x10 का एक पेपर जिसके 3 पीसेस काटने हैं हमको, मतलब जो भी हमारा कागज़ है जिसका भी आप GSM पता करना चाहते हैं उसके 3 सैंपल निकालने हैं आपको 10x10 के। फिर उसके बाद टेस्टर को इंश्योर करेंगे कि हम की रीडिंग जो है उसकी 0 है, मतलब ऑन करने के बाद जो उसका डिस्प्ले है वो 0 पे हो और वो GSM पे सेट हो, उसका मोड GSM पे सेट हो, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है उसमें काफ़ी सारे मोड हैं तो हमें GSM मोड को यूज़ करना है। अब उसका जो कागज़ का पीस है हम उसके ऊपर जो उसका वेट बैलेंस है गोल्ड डायल उसके ऊपर हम रखेंगे तो वो हमें रीडिंग बताएगा। ऐसे हमें 3 अलग अलग स्थानों से काटे गए कागजों की स्पेसिमेन लेकर उनका वज़न हमें इसमें लिखना है और उसका एवरेज हमें निकालना है। तो हमें एंड रिजल्ट में क्या मिलेगा, उसका एवरेजिंग हमें GSM मिलेगा उसका, कि भाई उस कागज़ का इतना ग्राम वज़न है, 42 है, 43 है, 65 है, 70 है, जो इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखने होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सही हों, कागज़ परफेक्ट 10x10 में कटा हुआ हो और कम से कम हमें 3 स्पेसिमेन तो जाँचने ही चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका आज पूरा हुआ। धन्यवाद।